करनाल में पिछले दिनों हुए चर्चित आटा घोटाले में डिटेक्टिव स्टाफ द्वारा चक्की व गोदाम के मालिक विजय कुमार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। डिटेक्टिव स्टाफ के अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों पुरानी अनाज मंडी में जो बीपीएल परिवारों को देने वाले आटे की बड़ी खेप बरामद की गई थी, जिसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया था, उसी को मद्देनजर रखते हुए करनाल पुलिस द्वारा गहनता से जाँच की गई और मामले में तत्परता दिखाते हुए चक्की गोदाम के मालिक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। यहाँ हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा बीपीएल परिवार को अनाज के बदले अब आटा दिया जाता है, जिसमें पिछले दिनों भारी मात्रा में आटा चक्की व गोदाम से बरामद किया गया, जिसमें घोटाले की बदबू आ रही थी। उसी की जांच करते हुए पुलिस द्वारा जिस गोदाम व चक्की में आटा बरामद किया गया था, उसके मालिक विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसको अदालत में पेश कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। फूड एंड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर के साथ लेके वहाँ मौके पर रेड किया, फिर वहाँ काफ़ी इकट्ठे पड़े हुए थे, तो सुबह हमने उसकी रात को 11 बजे तक करते रहे। फिर लाइट का प्रबंध है सुबह वही है, वहाँ सारा उसकी काउंटिंग ही सारे इकट्ठे हो गई और उसको 13-36 कट्टे दिए, तो इनको कब्जा पुलिस में लिया और सुरक्षित आटे को सरकारी को DFSA के दाम में रखवा दिया, उनको हैंड ओवर कर दिया कब्जा पुलिस में लेकर सारा। और फिर हम इसके बाद इसकी तलाश की थी और ये हमारे को 6 तारीख को पकड़ा गया। फिर कहाँ से पकड़ा आपने ये? मतलब ये मोजी व्यक्तियों ने जिम्मेवारी हम पेश कर देंगे इसको, हम इसको तलाश कर रहे थे, इसके घर पे भी रेड कर रहे थे बार बार, इसके रिश्तेदारी में भी, तो फिर के गोयल साहब वाले भी हम पेश कर देंगे, दो और मोजी व्यक्ति थे उन्होंने हमारे को पेश कर दिया। तो दिखाई गिरफ्तारी कहाँ से दिखाई गई? जहाँ से बिल्कुल ये उन्होंने पेश किया था, उसके अपना कहते हैं CID मेरे पास आप आ जाओ, पहले मंडी मिला हमारे को और उन्होंने बुला लिया था अपनी भाई इधर मेरे पास आया, हम उसका पूछता कि अगर गिरफ्तारी गुजरने पर इसको गिरफ्तार कर लिया था। क्या नाम है, कहां का रहने वाला है? कैलाश से आपकी क्या जान पहचान है और कहां का रहने वाले उन्होंने आपको? हमारी कोई जान पहचान नहीं जा रही, वैसे सामाजिक मूल के समाज के मुझे आदमी है कैलाश गोयल। गोयल उन्होंने बोले कि आप हमारे पास आ जाओ, हम पेश के मन में दहशत थी, मन में दहशत थी। और ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये अभी इनको इनका रिमांड खत्म हो चुका है, इनको रिमांड पे लिया था गिरफ्तार करके, और अपना अभी इन्होंने जिन डिप्लोडरों के नाम आगे लिखवाए सारे उनके आगे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक तस्वीर ये बड़ी गजब की है कि ये एक आरोपी है और पुलिस के सामने कुर्सी पर है, ये भी है।